अचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष सौ सौ बार। अचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष सौ सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष सौ सौ बार। तू माता हो बालक तेरे, तू माता हो बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दर पे तेरे धर्म खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, वंदन करते शाम सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। करती है तू माँ रक्षा हमारी, करती है तू माँ रक्षा हमारी, पूजे तुझको दुनिया सारी, पूजे तुझको दुनिया सारी, द्वार तिहारे आन खड़े माँ, द्वार तिहारे आन खड़े माँ, दर्शन दे दो माई दुबारी। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आचल तुम्हारा देता ओ मेरी माता आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान हैं, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आनंद के पांच भेद। आनंद के पहला भेद, स्वर्गदूत का संदेश। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल पर दुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का दूसरा भेद, मरियम का एलिजाबेथ से मिलना। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल पर दुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे कि वह हमेशा और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का तीसरा भेद प्रभु यीशु का जन्म। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का चौथा भेद, मंदिर में बालक यीशु को चढ़ाया जाना। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर दुबराए से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद के पांचवा भेद, बालक यीशु का मंदिर में पाया जाना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह अनंत तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, प्रणाम। हम हेवा की निवासी संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे अति मधुर कुमारी मरिया, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुमारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धनी कुंवारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा, आमीन। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और एक पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर, प्रार्थना से सुन और पूरा कर, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ, जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ, पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, प्रेरितों की रानी है माँ, तू स्वर्ग का द्वार माँ, तू प्रेरितों की रानी है माँ, तू स्वर्ग का द्वार माँ, स्वर्ग की ओर ले जाओ माँ, जीवन में संग संग माँ, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना माँ, मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे, आए हैं पास तिहारे, आए हैं पास तिहारे। सबको जय यीशु की जय। यीशु की धन्य कुवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व कैथोलिक कलीसिया दिसंबर के 8 तारीख को मनाती है, उससे पूर्व 9 दिवसीय नवीना प्रार्थना हम सभी करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को आज के दिन में इस नवीना प्रार्थना में शामिल होने के लिए माता मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए
प्रभु की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबों का भरोसा है वो माँ हम सबों के लिए अपने बेटे यीशु से हमारे निवेदनों को रखते हुए हमें बहुतायत की आशीषें और बरकतें प्रदान करेंगी। तो आइए हम माता मरिया के एक गीत को गाते हुए आज की नवीना प्रार्थना हम लोग शुरू करें। माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायिनी, तू ही है सबकी सहायिनी। माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, आओ माँ मुझको सिखाओ, आओ माँ मुझको चलाओ, आओ माँ मुझको सिखाओ, आओ माँ मुझको चलाओ। माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायिनी, तू ही है सबकी सहायिनी। माता मरियम तू है रानी, हे निष्कलंक माता, कुवारियों की कुवारी जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है, जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपने श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब निष्कलंक माता की शरण लें और दया की कृपा मांगें। हे दयालु माता, हमारी इस नवीना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारे। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरिया और निष्कलंक धन्य कुमारी माता, हम उस असीम शक्ति के लिए तरसते हैं जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमें शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सकें। हम ममतामय माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के लिए आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियाँ तुझसे अनुनय विनय करते हैं, हमारी विनतियों को अस्वीकार मत कर, हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हर बुराइयों से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रख। स्वर्ग दूत गैब्रियल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐ संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से प्रार्थना करें। प्रज्ञा द्वारा मुझे दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे मैं प्रभु की दैविक इच्छा जान सकूं
और निश दिन उसके अनुकूल जीवन बिता सकूं। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा मुझे क्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरार्थ पूर्णता से सजाए रख, जिससे मैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की पवित्र इच्छा को पूरी कर सकूं। निष्कलंक माँ मरिया सब कृपाओं की माँ हैं, हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने सब पापों से बैर और घृणा करते और यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध और कभी नहीं करेंगे और पाप की जोखिमों से दूर रहेंगे। इसलिए हे दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा, इस नोवेना के द्वारा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रख। आंचल तुम्हारा उमा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, ओ आंचल तुम्हारा उमा। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वारे तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वारे तिहारे, सबको तू देती है साया, सबको तू देती है छाया। आंचल तुम्हारा उमा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, ओ आंचल तुम्हारा उमा। धन्य कुवारी मरियम का निष्कलंक गर्भ आगमन का पर्व को मनाने के सिलसिले में नौ रोजी नवीना प्रार्थना में आप लोगों का आज के दिन में फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज के नवीना प्रार्थना का चौथा दिन है, आज का विषय है माता मरियम प्रार्थना का आदर्श, और इस विषय को बलिभांति समझने के लिए बाइबल में से पाठ लिया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 15 से 20। आइए हम प्रभु का वचन को सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब स्वर्ग दूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम यूसुफ तथा चरण में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवीना प्रार्थना का आज चौथा दिन है और आज का विषय है माता मरियम प्रार्थना का आदर्श। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें, जब स्वर्गदूत गैब्रियल मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर माता मरियम के पास आया, माता मरियम का एक मुद्रा
प्रार्थना का मुद्रा था, यानी कि वो प्रार्थना की आ करती थी। उनकी माता पिता प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रार्थना के साथ धार्मिक सारे क्रियाकलापों का पालन किया करते थे। और वही बात माता मरियम के अंदर आई, प्रार्थना का विशेष रुचि उनके अंदर थी, इसलिए प्रार्थना में वो लगी रहती थी। इसलिए जब स्वर्गदूत गैब्रियल मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर माँ मरियम के पास आया और कहने लगा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, वह तुरंत इन शब्दों को सुनकर घबरा गई। है कैसा अभिवादन है, कैसा प्रणाम है। उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, है कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे, महान होंगे, सर्वोच्च होंगे, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये सारी बातें बताई, लेकिन माता मरियम को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। माता मरियम ने क्या किया, इन सारी बातों को उन्होंने अपने दिल में संजोए रखा, संचित रखा। इसलिए नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास इतना दिमाग था, उनको मालूम था ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश दिल में रखा जाता है, मन में नहीं। क्योंकि मन में रखी हुई बात इंसान भूल सकता है, दिल में रखी हुई बात इंसान भूल नहीं सकता। दूसरी कारण यह है, माता मरियम प्रार्थना में हमेशा बनी हुई थी, इसलिए वो उन सभी बातों को दिल में रखते हुए उस पर मनन चिंतन करती है, उन पर वो सोचती है, विचार करती है। यानी कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य है मेडिटेशन, यानी कि मनन चिंतन करना। मनन चिंतन के द्वारा, ईश्वर के वचनों को दिल में रखे मनन चिंतन करने के द्वारा हम प्रभु के साथ बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, और प्रभु हमें अपनी बातों को बता सकता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है मनन चिंतन करना, जो कि प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण एक प्रकार है, मनन चिंतन करना। माता मरियम इस प्रकार से मनन चिंतन करती रही। हम लोग माता मरियम को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए अपने काम मिशन कार्यों को संपूर्ण करते हुए, और ये हिदायत दे के चले गए अपने शिष्यों को, जब तक ऊपर की शक्ति आप पर उतर के नहीं आती तब तक कहीं मत जाना। और माता मरियम ने प्रभु के शिष्यों के साथ रहकर प्रार्थना में समय बिताया, प्रार्थना में अगुवाई की। शिष्य प्रभु के डरे हुए थे, घबराए हुए थे, असमंजस में थे, कंफ्यूजन में थे, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ और आगे क्या होगा, बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे थे। लेकिन उस माँ ने प्रभु के शिष्यों को एक साथ जोड़े रखा प्रार्थना के फलस्वरूप, और प्रार्थना में लगे रहे 50 दिनों तक उन्होंने प्रार्थना की, माता मरिया की अगुवाई में एक साथ रहकर, और 50वें दिन में पवित्र आत्मा आग के जीव के रूप में माता मरियम पर, प्रभु के प्रेरितों पर, शिष्यों पर उतर आया और कलीसिया का एक शुरुआत हुई। वो बुलंद इरादों से बाहर निकल के लोगों को बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जिंदा है, और उस जिंदा परमेश्वर का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार से माता मरियम ने प्रभु के शिष्यों को प्रार्थना के द्वारा तैयार किया। आज के दिन में हम लोग इस विषय को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं, माता मरियम प्रार्थना का आदर्श। माता मरियम का संपूर्ण जीवन प्रार्थना से भरपूर था, इसलिए माता मरियम ने हर प्रकार के चुनौतियों का सामना किया, हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना किया। कितना कुछ हुआ माता मरियम के जीवन में उनके बेटे यीशु को लेकर, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ना उंगली उठाई, ना शिकायत की, ना किसी के ऊपर आरोप लगाया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना उंगली उठाता है, ना शिकायत करता है, ना आरोप लगाता है, ना किसी को दोषी ठहराता है, बल्कि सब कुछ विश्वास में ग्रहण करता है और अपने दिल में रखते हुए उस पर मनन चिंतन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं माता मरियम प्रार्थना का आदर्श है, वही आदर्श हम सभी अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में भी इसी आदर्श को अपनाते हम जिएं, ताकि हमारे जीवन में भी वही खुशहाली, वही प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति, आनंद, खुशियां हम सबों को निरंतर मिलते रहे, और वही बात को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, एक दूसरे के साथ बांटते रहें। वही माँ निरंतर हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है, क्योंकि वो प्रार्थना का आदर्श है। उस माँ के बांधती हम भी एक दूसरे के लिए निरंतर मध्यस्थ करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें, वही प्रभु की आशीष हम सबों को निरंतर मिलती रहे।
हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थाई दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता मरियम द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हे प्रभु, हमारे संत पिता धर्माध्यक्ष पुरोहित एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थयात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और पिता ईश्वर की महिमा के लिए पूरा कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्ली वासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं, वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, निष्कलंक माँ का मध्यस्थ मांगते हुए ईश्वर से हम विनती करें उन तमाम लोगों के लिए जो पूरे साल भर में इस तीर्थ स्थान पर अपने अलग अलग प्रकार के निवेदनों को, कष्टों को, पीड़ाओं को, बीमारियों को लेकर आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि माँ उन सबों की प्रार्थना अपने बेटे यीशु के सम्मुख रखेगी। इसलिए इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं निसंतान दंपतियों के लिए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो संकट में हैं, अलग अलग प्रकार के संकटों में, परेशानियों में, मुसीबतों में फंसे हुए हैं। निष्कलंक माँ का मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, इन सभी लोगों पर आपके विशेष आशीष कृपा बरकत हमेशा बनी रहे। आप अपने आशीष भरे हाथों को इन सभी लोगों पर बनाए रख, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। निष्कलंक माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरा निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु हे सत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम किसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है इस कारण वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करें। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वादी में थी अब कल तक सदा रहेगी आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें आमीन। सबको जय यीशु की जय यीशु की। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज ये है तेरी माँ ये है तेरी माँ तब से मरियम मेरी माँ यीशु की माँ मेरी माँ काना में जैसे ममता दिखाई हम पर दया बरसाई काना में जैसे ममता दिखाई हम पर दया बरसाई आज तू आ जा मेरे दिल में आसरा दे आंचल में आज तू आ जा मेरे दिल में आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज ये है तेरी माँ ये है तेरी माँ तब से मरियम मेरी माँ यीशु की माँ मेरी माँ भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से रखना तू मेरा ख्याल जीवन मेरा तू संभाल रखना तू मेरा ख्याल जीवन मेरा तू संभाल। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज ये है तेरी माँ ये है तेरी माँ तब से मरियम मेरी माँ यीशु की माँ मेरी माँ।